मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने इंजन के कूलिंग सिस्टम की स्टडी स्टार्ट की थी और पिछले वीडियो में हमने कूलिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, नीड और टाइप्स के बारे में जाना था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपको आज के वीडियो को समझने में हेल्प करेगा। आज के वीडियो में हम वॉटर कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। वॉटर कूलिंग सिस्टम के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। आज के वीडियो में हम इन कंपोनेंट्स की बेसिक स्टडी करेंगे। इनमें से कुछ पार्ट्स की और डिटेल्ड स्टडी भी हमें करनी है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। पहला कंपोनेंट है वॉटर पंप। वॉटर पंप वॉटर कूलिंग सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण थर्मोसाइफन सिस्टम एवं फोर्ज फीड सिस्टम एक दूसरे से अलग होते हैं। थर्मोसाइफन सिस्टम में वॉटर पंप का प्रयोग नहीं होता, जबकि फोर्ज फीड सिस्टम में पानी के सर्कुलेशन के लिए वॉटर पंप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पंप सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। वॉटर कूलिंग सिस्टम में इंपेलर टाइप या सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप का प्रयोग होता है। वॉटर पंप सिलेंडर ब्लॉक या सिलेंडर हेड ब्लॉक में फिट रहता है। वॉटर पंप रेडिएटर के लोअर टैंक से हॉस पाइप के द्वारा जुड़ा रहता है। वॉटर पंप रेडिएटर आउटलेट एवं इंजन ब्लॉक के इनलेट के बीच में लगा रहता है, अर्थात वॉटर पंप रेडिएटर से पानी लेकर इंजन ब्लॉक में भेजता है। वॉटर पंप को फैन बेल्ट द्वारा क्रैंक शाफ्ट पुली से चलाया जाता है। दूसरा कंपोनेंट है वॉटर पंप फैन या कूलिंग फैन। वॉटर पंप पुली पर एक फैन फिट रहता है। यह फैन हवा को रेडिएटर कोर की तरफ से खींचता है, जिससे रेडिएटर ट्यूब ठंडी होती है तथा यही हवा इंजन पर पड़ती है, जिससे इंजन भी ठंडा रहता है। रेडिएटर की हवा को सीधे इंजन तक पहुंचाने के लिए रेडिएटर काउल या रेडिएटर शटर का प्रयोग होता है। अगला कंपोनेंट है फैन बेल्ट। वॉटर पंप एवं फैन को फैन बेल्ट द्वारा ही क्रैंक शाफ्ट पुली से चलाया जाता है। यहां पर मुख्यतः वी बेल्ट का प्रयोग होता है, जो कि रबर या लाइलॉन का बना होता है। अगला कंपोनेंट है रेडिएटर। रेडिएटर कूलिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। रेडिएटर का कार्य है इंजन के वॉटर जैकेट से आए हुए गर्म पानी को ठंडा करना। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंजन के वॉटर जैकेट का गर्म पानी रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है, जहां से यह रेडिएटर कोर में बहता हुआ नीचे आता है। रेडिएटर कोर में बहते समय यह ठंडा होता है एवं लोअर टैंक में पहुंचता है। लोअर टैंक से पुनः यह इंजन के वॉटर जैकेट में भेजा जाता है। रेडिएटर एक पूरा टॉपिक है जिसकी डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कूलिंग सिस्टम का अगला कंपोनेंट है रेडिएटर प्रेशर कैप। रेडिएटर प्रेशर कैप प्रमुखतः तीन कार्य करता है। पहला यह कि रेडिएटर प्रेशर कैप कूलिंग सिस्टम के दबाव को बढ़ा देता है। प्रेशर बढ़ने से पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे कूलिंग सिस्टम उच्च ताप पर कार्य करता है। यह कार्य प्रेशर कैप में लगी स्प्रिंग के द्वारा होता है। कूलिंग सिस्टम में प्रेशर ज्यादा बढ़ने पर प्रेशर को कम करना इसका दूसरा कार्य है। इंजन के अधिक गर्म होने पर पानी फैलता है, जिससे कूलिंग सिस्टम का प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, जिससे कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इस अतिरिक्त प्रेशर को निकालने के लिए इसमें एक स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगा होता है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त दाब को कम करने के लिए जल वाष्प ओवरफ्लो पाइप से बाहर निकल जाती है। तीसरा कार्य है कूलिंग सिस्टम में प्रेशर कम होने की स्थिति में प्रेशर मेंटेन करना। जब इंजन ठंडा होता है तो पानी का वॉल्यूम घट जाता है, जिससे कूलिंग सिस्टम में निर्वात यानी वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। इस समय रेडिएटर प्रेशर कैप में लगा हुआ वैक्यूम वॉल्व खुलता है और हवा कूलिंग सिस्टम में अंदर आती है, जब तक कि यह वैक्यूम भर नहीं जाता। अगला कंपोनेंट है रिजर्वायर टैंक। कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर से जुड़ा हुआ एक पारदर्शी रिजर्वायर टैंक लगा रहता है। इसका कार्य होता है रेडिएटर से निकले एक्स्ट्रा कूलेंट को इकट्ठा करना और उसे बाहर बहने से रोकना। कूलेंट के लेवल को देखने के लिए इसमें मैक्सिमम या फुल एवं मिनिमम या लो के चिन्ह भी बने रहते हैं। अगला कंपोनेंट है हॉज पाइप। रेडिएटर के लोअर टैंक से कूलेंट को वॉटर पंप के माध्यम से इंजन ब्लॉक तक पहुंचाने
एवं इंजन ब्लॉक से गर्म हुए कूलेंट को रेडिएटर के अपर टैंक तक पहुंचाने के लिए हॉस पाइपों का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः रबर, पीवीसी या सूत के बने होते हैं। अगला कंपोनेंट है वाटर जैकेट। वाटर जैकेट यानी पानी के लिए रास्ता। इंजन में सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर लाइनर के चारों तरफ एवं सिलेंडर हेड में वाटर जैकेट बने होते हैं। इन वाटर जैकेट में पानी प्रवाहित होता है जो कि इंजन के गर्म पार्ट्स की गर्मी को एब्जॉर्व करता है। अगला कंपोनेंट है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य है कूलिंग सिस्टम के तापमान को एक निश्चित तापमान यानी इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर मेंटेन करना। थर्मोस्टेट वाल्व इंजन को अधिक ठंडा नहीं होने देता, जिससे कि इंजन को कार्य करने के लिए आवश्यक तापमान बना रहता है। थर्मोस्टेट वाल्व भी एक पूरा टॉपिक है, इसकी डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला कंपोनेंट है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इसका कार्य होता है कूलेंट के तापमान को मापकर डैशबोर्ड पर लगे हुए टेम्परेचर गेज तक उसका मान पहुंचाना। अगला कंपोनेंट है टेम्परेचर गेज या कूलेंट टेम्परेचर इंडिकेटर। वाहन के डैशबोर्ड पर एक कूलेंट टेम्परेचर गेज लगा रहता है जो वाहन चालक को इंजन का तापमान बताता रहता है। अगला कंपोनेंट है कूलेंट या एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। आजकल वाहनों में कूलिंग मीडिया के रूप में शुद्ध पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। कूलिंग सिस्टम में पानी भरने से पहले उसमें कूलेंट या एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मिलाया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। यह पानी को कम कर देता है, जिससे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता नहीं है एवं ठंडे स्थानों पर इंजन सामान्य तरीके से कार्य करता है। इसके लिए कूलेंट में प्रमुखतः ग्लिसरीन, एल्कोहल एवं इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी अधिक होती है। कूलेंट के बहने की क्षमता अधिक होती है। कूलेंट के कारण इंजन में जंग नहीं लगती। मार्केट में कूलेंट 2 प्रकार से मिलते हैं। पहला प्योर कूलेंट, इसमें पानी मिलाने के बाद इंजन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा रेडीमेड कूलेंट, इसे सीधे ही इंजन में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इंजन कूलिंग सिस्टम के प्रमुख अवयव हैं। इनमें से कुछ कंपोनेंट की विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।